दादा नमस्कार, स्वागत है आपका ऑटो जजमैन की एक और नई वीडियो में। और पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो हमारी आ नहीं रही है, रीजन थोड़ा बिजी चल रहे थे और थोड़ा सा कंटेंट भी चेंज कर रहे हैं। थोड़ा मिक्सअप का कंटेंट आएगा जिसमें ट्रैक्टर्स, बाइक और गाड़ियों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन अब हम लेके आए करेंगे आपके साथ में। तो अल्ट्रोज हम पहले लेके आ चुके हैं आपके साथ में, अल्ट्रोज की काफ़ी सारी जानकारी हम आपसे साझा कर चुके हैं। अभी जो अल्ट्रोज को आपके साथ में लेके आने का रीजन रहा है, ये हमारे एक भाई की गाड़ी है। और एक बात बोलते हैं कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, तो वही एक प्रैक्टिकलिटी हम आपको इस गाड़ी में दिखाएंगे। जो गाड़ी के ओनर हैं, धीरज जी। धीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और स्वागत आपका ऑटो जजमेंट में। धीरज भाई की एक कहानी है गाड़ी के पीछे। इन्होंने जो थोड़ा सा कार एंथुजियास्ट है, टेस्ट की है गाड़ी में, इन्होंने बेस मॉडल लिया और बेस लेने के बाद इस गाड़ी में जितने की कीमत की गाड़ी है उसे ऑलमोस्ट हाफ पैसे ही अभी एक साल में इसमें लगा चुके हैं। आगे कुछ प्लान्स है मोड्स कराने के, कुछ मॉडिफिकेशन और भी कराने हैं, लेकिन अभी तक आपको मोटा मोटा बता दूं 2.5 से 3 लाख रुपए इस गाड़ी में इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक। तो इसे आप शौक ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप वर्थ पे जाते हैं तो वर्थ में आप इतने में टॉप मॉडल भी ले सकते हैं जिसमें कंपनी फिटेड बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट पे जाते हैं तो टेस्ट इंसान अपने हिसाब से करता है। तो धीरज भाई, ऑलमोस्ट कितने रुपए आप इस पे लगा चुके हो और क्या क्या अभी तक आप करवा चुके हो? 22 में 2.5 लाख से प्लस प्लस लग चुके हैं इसमें। अलॉय व्हील जैसे दूसरे अलॉय व्हील है, पहले मैंने स्टार वाले अलॉय व्हील लगाए थे इसके अंदर, अभी इसमें टॉप वाले अलॉय व्हील चेंज करवा रखे हैं। तो दोस्तों, जो स्टॉक आता है आपको पता है स्टील रिम आते हैं, स्टील रिम के बाद भाई ने स्टार वाले लगवाए थे, उसमें थोड़ा मजा नहीं आया तो इन्होंने टॉप मॉडल वाले अलॉय व्हील चेंज कराए हैं। और भैया क्या करवाए इसमें? और जैसे ये साइड मिरर आप देख रहे हैं, ऑटो फोल्ड और टोन वाले, हाँ अच्छा, ये आप की से ऑपरेट कर सकते हैं इनको, की से ऑपरेट कर सकते ठीक है। हैं। जो टॉप मॉडल में, टॉप मॉडल नहीं, एक्चुअल में क्या है कि टाटा की खासियत रहेगी, टाटा का जो मिड वेरिएंट आता है एक्सएम में, एक्सएम से ही ये वाला फीचर टाटा स्टार्ट कर देता है। टाटा का ये स्पेशलिटी रही है कि मिड वेरिएंट में आपको ऑटो फोल्डेबल मिल जाते हैं, बट बेस बिल्कुल मॉडल में नहीं थे, तो भाई ने ये वो रिले वाले लगवाए हैं। पूरी गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग हो रही है, कुछ एक पार्ट है उन पे पीपीएफ करवा रखा है मैंने। सेरामिक कोटिंग भी है, पीपीएफ भी है, तो ये जरूरी भी होता है क्योंकि ये गाड़ी की देखो ये चमक पीपीएफ, थोड़ी। ये पीपीएफ है, साइड मिरर में पीपीएफ है। हाँ ओके, तो ये ब्लैक कलर का आया था या आपने फिर नहीं ब्लैकआउट नहीं करवाया? ब्लैक ही आया था। ब्लैक आया था ये। तो दोस्तों, अल्ट्रोज एक ऐसी गाड़ी है, अगर आप मार्केट में देखते हैं तो स्विफ्ट के बाद ये ही एक ऐसी गाड़ी है जिसमें सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। आप इसमें जितना चाहें उतने मोड्स करा सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगती है जब इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं। तो इसमें जचती भी है क्योंकि इसका जो शेप दे रखा है थोड़ा स्पोर्टी लुक बना रखा है, जो इसके फेंडर लाइन है उनको थोड़ा सा वाइड करके बाहर निकाल रखा है, जो क्रीज लाइन है इस गाड़ी की वो बहुत शार्प है, तो इसमें मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे लगते हैं। जो मेन मॉडिफिकेशन है दोस्तों वो आपको अंदर देखने में मिलेंगे। जो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत लाउड है, बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल है, और उसमें बहुत सारे पैसे भाई ने लगा रखे हैं। हॉर्न भी चेंज है, क्रिएटा वाले हॉर्न अगर डलवा आप इसके हॉर्न की बात करें तो हॉर्न इसमें जो क्रेटा हॉर्न आता है जो मार्केट में बहुत पसंद किया जाता है, क्रेटा वाला हॉर्न है। और बाद में ये जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट के जो क्लस्टर के ये कंट्रोल्स हैं ये भी बाद में लगवाए गए हैं। म्यूजिक यूनिट है वो कम्प्लीटली चेंज्ड है। एयर प्यूरीफायर भी इस गाड़ी में आपको मारुति का जेन्युइन मिल जाता है और ये आज ही लगवाया है। अच्छा, इसकी क्या कीमत रही है धीरज भाई? इसकी 5500 रुपये रही है। ओके, आप गाड़ी में आ जाइए इधर। तो धीरज भाई, एक बार आप हमें बताएंगे मोटा मोटा आपने क्या कुछ चेंजेस इस गाड़ी में करवा रखे हैं, चेंजेस और एक गाड़ी बार में आप मेरे भाई को फिर, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग कंट्रोल, तो इसकी क्या कीमत रही है स्टीयरिंग कंट्रोल की? इसकी कीमत रही है 5000 रुपये। ये आपने टाटा से कराया? हाँ टाटा के जेन्युइन पार्ट है सारे। ठीक है, और और एम्बियंट लाइट हो गई, एक बार एम्बिएंट लाइट आप जला के दिखाएं किस टाइप ये की? ऑन है अच्छा, अभी, ये ब्लू है। ब्लू, हाँ ब्लू कलर की देती है, इसमें अगर कलर चेंजेस करने हो तो? कलर चेंज आप इस ऐप से कर सकते हो, इसकी ये जो ऐप है ओके, इसको तो आप जैसे मन चाहे वैसे कलर चेंज दोस्तों कर सकते हो। अभी शायद आप इसको देख नहीं पा रहे होंगे, पूरी गाड़ी में आपको साइड में पीछे दिख डोर्स जाएगा, पे, पीछे वाले डोर्स पे, सामने डैशबोर्ड में, तो ये एम्बिएंट लाइटिंग है और इस पे सारे कलर चेंज हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा दिन है तो आपको शायद क्लियरली दिख नहीं होगा, इसकी हम आपको एक अलग से इसमें क्लिप ऐड कर देंगे। अच्छा, एम्बिएंट लाइट की क्या कीमत रही है भाई? इसकी कीमत रही है 4000 रुपये। 4000 रुपये। ये आपने कहाँ से कराई थी? ये करोल बाग से करवाई थी, होटल करोल बाग से रणजीत कराया से। था, तो इससे कोई आपके गारंटी पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया? नहीं नहीं कपलर टू कोई, कपलर है, हाँ बिल्कुल कपलर टू कपलर काम हुआ है सारी ठीक गाड़ी है। और इसमें ये ओंक्यो की का। एक हाँ ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ मेड है, बाय जापान है ये ओनक्यो ये का। जैपनीज मेड है। हाँ और क्या ये कीमत रही है इसकी? इसकी 30000 रुपये कीमत रही है स्क्रीन, स्क्रीन की स्क्रीन की 30,000 कीमत रही है। जी तो ये स्क्रीन दोस्तों एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले बिल्कुल। और बाकी सभी चीज़ें सपोर्ट करती है। यहाँ पे आपको रनिंग कंडीशन में आपको जेन्युइन इसका स्पीड भी मिल जाती है। और बात करें इसकी
म्यूजिक सिस्टम की, तो उसमें काफी काफी मोटा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। तो भाई कौन से क्या स्पीकर आपने लगवा रखे हैं? स्पीकर मैंने मोरल के लगवा रखे हैं, तो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट में दो स्पीकर है, दो कंपोनेंट लग रहे हैं, और 4 चैनल का इसमें एम्प है, और ओके पीछे जेबीएल JBL की बेस ट्यूब है की बेस्ट पे। तो जी। ओवरऑल अगर मैं आप मोटा मोटा पूछूं तो क्या कुछ कीमत रहने वाली है इसकी? इसकी टोटल लगा के सभी चीजें, स्क्रीन वगैरह और जो इसके कंपोनेंट है, बेस ट्यूब है, एम्प है, उनकी कीमत लगा के इसकी 1,15 के आसपास रही है 1,15,000 की रही है। तो उसमें जी। आपको एक बार इसका उसमें म्यूजिक, डैम्पिंग वगैरह सारी चीजें आ चुकी ओके है। आपने डैम्पिंग भी करवा रखी है हाँ, सभी डोर्स पे? टू सभी डोर्स पे टोन नहीं, करवा रखी है, सिंगल टोन करवा रखी है, टू टोन करवा रखे, डिग्गी में भी है। डिग्गी भी करवा रखी है। दोस्तों एक बार म्यूजिक आउटपुट आपको सुना देता हूँ जो बहुत शानदार रहने वाला है। तो दोस्तों म्यूजिक लाउड बहुत सारे होते हैं, कम कीमत में आपको लाउड म्यूजिक मिल जाता है। जो स्पेशलिटी वो है कि इतना लाउड होने के बाद भी आपको वॉइस में वही क्लैरिटी आपको लास्ट एंड तक मिलती है, कहीं पे भी आपको जो फेड साउंड है वो नहीं मिल रहा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। और ऐसा नहीं है कि आपके कान को खा रहे, आपके ऐसा होता है ना कि बेस ट्यूब आप अगर लोकल लगवा लेते हैं तो वो वॉइस तो आपको लाउड दे देती है लेकिन आपको थोड़े दिन के बाद इरिटेट करने लग जाती है थोड़ी देर में। बिल्कुल तो इस टाइप का कोई इशू अभी तक मैंने काफी देर इसको यूज किया है तो ऐसा कोई हुआ नहीं। अच्छा ये जो आपने ये बटन चेंज करा रखा है नहीं, ये क्या है कि जो मैग्नेट वाला होता है ना, जैसे क्या? फोन हाँ होल्डर होता है, एक मैग्नेट पीछे लग ओके। जाता है अच्छा उस पे, ऐसे अच्छा ये लगेगा। फोन होल्डर है तो हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। और ये सॉकेट भी भाई ने बाद में लगवाया है। एक ही सॉकेट आता था इसमें ना, ये वाला। ओके तो इसमें क्या है कि मुझे जैसे फोन वोन, जैसे एयर प्यूरिफायर के लिए, मल्टीपल यूज के लिए। मल्टीपल यूज के लिए मैंने अलग से लगवा रखा। और ये गेयर नॉब भी टॉप मॉडल वाला ही है, ये अच्छा भी मैंने इसकी अलग क्या से, कीमत रही है? इसकी 4,000 रुपये रही कीमत चार ये। हजार हाँ, रुपये और दोस्तों ओरिजिनल ये टाटा का। इसमें एयर प्योरीफायर है जो मारुति कंपनी का ओरिजिनल पार्ट है, मारुति जेन्युइन एसेसरी है। और ये 5,500 की कीमत का है। आज के दिन आपको पता है कि मैं कल ही देख रहा था जो NCR में AQI लेवल था वो 817 का था, तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजेबल हो जाती है। तो अभी आपको बाहर का भी कुछ दिखाते हैं। अगर आप सीट कवर की बात करते हैं सीट कवर सीट कवर बहुत प्यारा लग इसमें रहा है, बकेट वाले हैं सारे, सीट बकेट कवर। फिट है। हाँ, और जो 10 साल लेदर की की आप गारंटी अगर है, क्वालिटी देख पा रहे तो लेदर भी बहुत फिटिंग भी अच्छा बहुत अच्छी है उनकी। सिल्क में है और काफ़ी अच्छा फील दे रहा है, काफ़ी लग्जूरियस फील दे रहा है। अच्छा ये जो हैंड रेस्ट है ये बाहर ये से मैंने लगा? बाहर से लगवाया था, आफ्टर मार्केट, ये मैंने वैसे टेम्परेली रख रखा ओके तो दोस्तों अंदर है। और से ये स्टेयरिंग रैप हो गया, जैसे इसकी स्टेयरिंग फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी है। रैप बहुत अच्छा कर रखा है और ये बिल्कुल एकदम कंपनी फिटेड सा ही लग रहा है, मेरे को बिल्कुल फील भी नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बाहर से या कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगा रखी, बिल्कुल एकदम से गाड़ी का ही पार्ट लग रहा है। और ये जैसे इसमें ये मिरर नहीं आया था डे नाइट वाला ना, तो ये भी मैंने कंपनी से ही ओरिजिनल लगवा ओके रखा है। बेस मॉडल में ये नहीं है। अच्छा ट्विटर कितने लगवा रखे हैं आपने? क्योंकि इस गाड़ी में ट्विटर के बहुत सारे ऑप्शन दे रखे चार हैं। ट्विटर हैं इनमें, हर चार विंडो में एक ट्विटर ट्विटर। है हाँ और चार स्पीकर है। हाँ ट्विटर की जगह ये भी थी, पर मैंने यहाँ लगवा रखे, नीचे स्पीकर है, ऊपर ये ट्विटर है। ओके तो यहाँ पे जो लाइट्स का सेटअप है वो भी LED करा रखा है। और इस गाड़ी में यहाँ पे जो आपको, बेस मॉडल में ये नहीं आता, मतलब मिरर नहीं आता इसके अंदर। हाँ तो वैनिटी मिरर अब इन्होंने अलग से लगवाए हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा है। वैनिटी मिरर काफ़ी यूजेबल आइटम होता है जब आप कहीं बाहर जा रहे हो। तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को देखें तो अंदर से काफ़ी लग्जूरियस फील देती है, एक प्रीमियम जो हैचबैक है उस कैटेगरी में आती है, काफ़ी लग्जरी फील दे रही है। दोस्तों जो रिफ्लेक्टर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स की भी एक अलग कहानी है क्योंकि ये यहाँ पे मिले नहीं थे, काफ़ी जदोजहद के बाद ये रिफ्लेक्टर ऑर्डर किए थे जो कि मेरठ से जाके मिले हाँ, हैं। मेरठ से। और ये इसमें रनिंग इंडिकेटर LED मिल जाती है जो काफ़ी खूबसूरत लगती है। जो साइलेंसर का टिप है वो भी चेंज है। और अगर आप कैमरे की प्लेसमेंट देख सकते हैं तो कितनी खूबसूरती के साथ बिल्कुल हिडन वाले कैमरे की आपको दे रखी है प्लेसमेंट जो पीछे बहुत पूरा प्रॉपर काम TPF करती है है। बम्पर पे ना। और जो यहाँ पे जो लाइट्स हैं, जो एल्ट्रोज की बैक सेटअप है, इसकी लाइट बहुत खूबसूरत है। और इसमें भी ब्लैक स्मोक कराने के बाद जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग रहे हैं। तो बैक लुक से गाड़ी ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत शानदार ये गाड़ी लुक दे रही है बैक लुक से। अच्छा धीरे भाई ये कुछ अलग से लग रहा है मेरे को, तो ये क्या है एक बार बताएंगे आप? ये पहले क्या था कि जो इसमें ना मैनुअल था ओके अप डाउन करने के लिए मिरर का, तो ये मैंने बंद करवा के इसको ये स्विच लगवा दी अच्छा। इसमें। तो वो ओवर लुक ना दे इसलिए इन्होंने हाँ थोड़ा सा बिल्कुल मोड्स बिल्कुल। अपने दिमाग से करा रखा है कि ये ओवर लुक ना दे, थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए पियानो ब्लैक में ये वाला फिनिशमेंट करा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो कार्बन फाइबर में मैट का यूज किया गया है, जो टेपिंग है वो कार्बन फाइबर में। ये अच्छा भी है क्योंकि यहाँ से ना गाड़ियों का पेंट खराब हो जाता है जब आपकी बार बार बंद होती है।
और मैटिंग की बात करूँ तो इनमें 7D मैट लगा रखी है, नीचे अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ किया हुआ है, तो गाड़ी अंदर से काफ़ी लग्जरी फील दे रही है भाई की। लाइट्स इसमें वाइट DSLR है, मतलब टेस्ला की लाइफ टाइम गारंटी है। अच्छा, टेस्ला कंपनी की वाइट वाली इसमें LED लगवा रखी है, और काफ़ी अच्छा फोकस कैसा है इनका, बहुत अच्छा है और ये जो फोग लैंप है ये मेरे ये, को आफ्टर मार्केट ही है ये, DRL लग रहा है मैट्रिक्स मेरे को, वाले हैं, DRL वाले। हाँ, मैट्रिक्स में DRL इसमें, तो काफ़ी अच्छा। ये इसकी क्या कीमत रही है ओवरऑल इस सेटअप की? इसकी 5,000 रुपये, लाइट के 12,000 रुपये। अच्छा, आप इसका रनिंग अगर ये DRL देख पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी लुक दे रहा है, और रनिंग मैट्रिक्स में है तो ये और इसकी लुक काफ़ी इन्हेंस कर देता है। अगर इंजन की बात करूँ तो ये डीजल इंजन है रेवट्रॉन का, 90 PS की ये पावर जनरेट करता है, वहीं 200 NM का टॉर्क जनरेट करता है। 200 NM का टॉर्क काफ़ी पीक टॉर्क हो जाता है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी पावर कर देता है। अगर इंजन प्लेसमेंट की बात करें तो डीजल इंजन है, ऑब्वियसली बहुत खूबसूरती से प्लेसमेंट कर रखा है, और कहीं पे भी आपको ऐसा खाली स्पेस जैसे मारुति स्विफ्ट में आपको देखने को मिलता है इस टाइप की कोई चीज़ मिलती नहीं है। प्रॉपर कवरिंग दी गई है इंजन की, रेवट्रॉक का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है, ऊपर भी प्रॉपर जो ब्लैंकेट होता है वो लगा रखा है ताकि इंसुलेशन प्रॉपरली हो सके। तो इंजन की प्लेसमेंट और बाकी जो सेटलमेंट है वो काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का। अगर दोस्त ये कितने की पड़ी थी ओवरऑल हमें? ये बेस मॉडल मैंने लिया था 9,70,000 रुपये का। 9,70,000 का लिया था, बाकी शॉप के ऊपर इन्होंने 2-2.5-3 लाख रुपये जो लगा रखे हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बाकी इतने में ये गाड़ी काफ़ी वर्थ है, और काफ़ी अच्छी लुक्स ये गाड़ी इस कीमत में निकाल के आपको दे देती है। मेन तो क्या था मेरा पर्पज लेने का, इसकी बिल्ड क्वालिटी को देख के। 5-स्टार रेटिंग आपको पता है कि एनकैप में ये गाड़ी लेके आती है, तो इस सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी जो 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है। और आजकल टाटा ने अपना एक बहुत अच्छा जो ट्रस्ट बिल्ड किया है आपको मार्केट में, जैसे पहले मारुति की गाड़ी आपको रोड पे ज़्यादा दिखती थी, बिल्कुल इसी प्रकार से हैरियर, सफारी, पंच, टियागो, अल्ट्रोज ने अपनी इतनी जगह बनाई कि आपको हर तीसरी चौथी गाड़ी आजकल टाटा की नज़र आ जाती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा पैकेज है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा भाई की चॉइस को, और थैंक यू सो मच, बने रहिए ऑटो जजमेंट के साथ। थैंक यू।